हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब झारखंड टेलर में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं किस तरह से फिटिंग पैंट कटिंग होता है, जो कि शॉर्ट में चला हुआ है, बिल्कुल नया डिजाइन। दोस्तों, तो आइए हम इसका कटिंग करके आपको दिखाते हैं। इससे पहले कि आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता रहे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम नाप इसका समझ लेते हैं। इसका नाप है 34 इंच, कमर है, लंबाई है 33 इंच, इसका हीप है 38 इंच, जांघ 23 इंच, मोहरी 12 इंच। तो आइए दोस्तों, हम इसका कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम एक लकीर देंगे बिल्कुल, और ये लकीर से 1.5 इंच इधर माइनस करेंगे। अब देख सकते हैं 1.5 इंच के बाद यहाँ हम 33 लंबाई है तो हम 33 में एक मार्क लगाएंगे और 2.5 इंच नीचे होल्ड के लिए मार्जिन दे रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से फिर ये लकीर के नीचे से हम नापेंगे, इस तरह से 7.5 इंच, और यहाँ भी 7.5 नापेंगे और यहाँ से 10 इंच में मार्क लगाएंगे और ये सब मार्क को हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो ये क्रॉस पॉकेट हमारा है तो हम इस तरह से सेट देंगे यहाँ पर। बिल्कुल इस तरह से कमर 34 है तो हम यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 200 सिलाई के लिए इतना मार्जिन रखेंगे। जांघ इसका 23 है, 10 में इस तरह से मार्क लगाएंगे, ये मार्क से हम 10.5 इंच लेंगे, फिर इसका बीच करेंगे दोस्तों इस तरह से, यहाँ जितना आएगा 6.5 इंच आया, 6.5 इंच हम यहाँ पर इस तरह मार्क करेंगे और 3 इंच इधर से और ये मार्क से 3 इंच इधर मार्क लगा देंगे। इस तरह सेफ दे देना है और इसको सेफ पट्टी से इस तरह से मिला लेंगे दोस्तों। और 2 इंच में यहाँ पर हम इस तरह से मार्क लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक चैन हमारा फिट होगा, फिर डाउन करेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारा बिल्कुल मार्क लग चुका है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं 33/34। तो ये हमारा मार्क लग चुका है, अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। और नीचे फोल्ड के लिए हम दोस्तों इस तरह से हम लगा लेते हैं इसे छोट का। तो ये हमारा सामना कट चुका है, अब हम इसका बैक काटेंगे दोस्तों। बाकी बचा हुआ कपड़ा को हम इस तरह से बिल्कुल बिछाना है और इसका ऊपर में ये सामना को हम रखेंगे। और यहाँ से इस तरह मार्क लगा लेना है 1 इंच अप करके, और यहां मार्क लगाना है इस तरह। यहां 1 इंच में 1 सूट कम लेंगे इस तरह, यहां 2.5 इंच लेंगे और यहां 3 इंच लेंगे दोस्तों।
कमर 34 है तो हम 8.5 इंच मार्क से हम 8.5 इंच इस तरह से यहाँ धागे देंगे और 1.25 इंच टेकिंग के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए हम ले लेंगे और इसको मिला लेते हैं। इस तरह सेप दे देना है। यहाँ हमारा सिलाई लग जाएगा दोस्तों और यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है, अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। इतना हम 1 इंच यहाँ पर मार्जिन दे रहे हैं। इस तरह से हमारा कट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे, जो हमारा दुलप दोनों पल्ला में मार्क लग गया है और यहाँ से सिलाई हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल सिलाई होगा यहाँ तक और इधर प्लेट के लिए हम मार्क दे देते हैं 1.25 इंच। यहाँ से लेना है खुटका से 3.25 इंच और फिर 1.25 इंच। इस तरह से हमारा टेकिंग बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये कटिंग का प्रोसेस बिल्कुल बन चुका है, खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ जांग 23 इंच है तो ठीक हमारा 23 आ जाएगा। आप देख सकते हैं हिप 38 है, 8.5 इंच 8.5 को हम यहाँ रखेंगे तो 19 इंच ठीक आ रहा है दोस्तों, 38 इंच आ गया। यहाँ हमारा सिलाई आके मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो हमारा पैंट बिल्कुल ही बेहतरीन बनेगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।